आई एम विकास सर अगेन मोस्ट वेलकम इन योर एन पॉइंटम को फाइनलाइज किया है okay? तो किंग है, है. कि तो देखें इनकी कोई डिस्टिंग लाइन नहीं होती है क्यों नहीं होती है डिस्टिंग बाउंड्री लाइन रीजन ये है क्योंकि जो प्रोटिस्टा हमारा मेंबर होता है यहाँ पे एक सेल वाले फंसाई एक सेल वाले जो एनिमल्स हैं और एक सेल वाले जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म है प्लांट ग्रुप के उन सबको जगह दी गई है तो ऐसे तो ये खिचड़ी बन चुका है सारे किंगडम सिस्टम का जो भी किंगडम आप देखते हैं उनके सारे मेंबर एक सेल वाले यहाँ रखे गए हैं तो इसके लिमिटेशन कहाँ लगा देंगे आप कौन सी प्रॉपर्टी आप बता दोगे तो सिंपल तौर हम बहुत ज्यादा यहाँ पे लिमिटेशन या लिमिटेड प्रॉपर्टी नहीं बता पाएंगे बट इनका जो सबसे लिमिटेड प्रॉपर्टी है प्रोटिस्टा ग्रुप का आप याद रखिएगा यहां पे कोई भी मेंबर एक सेल वाला हो और डेवलप न्यूक्लियस मींस यू कैरियोटिक हो तो आप यहां उसे जगह दे देंगे मीन्स ये क्या होना चाहिए यूनिसेलुलर होना चाहिए एंड यूकैरियोटिक होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए बेटा एक सेल वाला होना चाहिए और डेवलप न्यूक्लियस वाला है तो उसे आप कहाँ रखोगे उसे आप प्रोटिस्टा में जगह दोगे ओके okay? तो आइए जानते हैं प्रोटिस्टा की प्रॉपर्टी क्या है और प्रोटिस्टा में हमें पढ़ना क्या है तो सबसे पहले हम इनके बेसिक प्रॉपर्टी पे बात करेंगे प्रोटिस्टा के एंड देन इनके मेंबर्स की हम बात करेंगे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो सबसे पहला ही पॉइंट देखिए हमने आपको अभी भी बताया था बेटा प्रोटिस्टा में एक सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है यहां पे रखा गया है ओके कैसे को रखा गया है एक सेल वाला जो मेंबर होना चाहिए और यूकैरियोट होना चाहिए यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा याद रखिएगा सेकेंड मैटर दे हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज सच एज माइट्रोकॉन्ड्रिया ईआर गोल्गी बॉडी जो भी सेल ऑर्गेल्स आप सेल में पढ़ते आ रहे हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया है प्लास्टिड है आपका और अदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सारे सेल ऑर्गेनल्स इस डेवलप्ड सेल में प्रेजेंट होने चाहिए या प्रेजेंट होते हैं आप कह सकते हो नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस यहां श्योर एंड सर्टेन आपको नजर आएगा थर्ड पॉइंट दे आर आइडर फोटोसेंथेटिक पैरासिटिक न्यूट्रीशन की हम जहां तक बात कर लें तो इनका जो न्यूट्रीशन है ये किस तरह से अपना खाना पीना अरेंज करते हैं किस तरह से खाते हैं हम इनकी बात करेंगे तो यहां आप देखोगे कि ये ऑटोट्रॉपिक फोटोसेंथिस के थ्रू अपना खाना बना लेंगे पैरासिटिक फॉर्म इनका होगा ये दूसरों की बॉडी पे भी सरवाइव कर सकते हैं एज अ पैरासाइट और तीसरा फॉर्मेट होगा saprotropic. Saprotropic का मतलब ये ऑर्गेनिक चीजों पे भी सरवाइव कर सकते हैं या ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होते हैं थर्ड नंबर पे लोकोमोशन टेक्स प्लेस थ्रू सीलिया फ्लैजिला एंड स्यूडोपोडिया जो सीलिया है फ्लैजिला है स्यूडोपोडिया है इनकी मदद से आप देखोगे क्या होगा इनकी मदद से यहाँ पे ये लोकोमोशन करेंगे भी या एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ओके आप बहुत आसान तरीके से समझो अब सीलिया फ्रेजिला में आप एक बार डिफरेंस समझ लो आप इनका मेंबर बेटा अमीबा को देखते हो ऐसे आपको दिखता है तो जो इरेगुलर देखें या आउटग्रोथ आपको नजर आ रहा है एकदम सिंपल तरीका है जो आउटग्रोथ आप देख रहे हो बेटा ये क्या है ये आपका सीडोपोडिया है क्लियर अच्छा चलो ठीक है मान लिया स्यूडोपोडिया है दूसरी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे अब आप देखो बेटा यहाँ पे सीडोपोडिया के बाद का नंबर क्या आता है हम दोकेंड नंबर सीलिया और फ्लैजिला की बात कर लेते हैं ओके तो आप सीलिया पे आओ देखो जो सीलिया है ये किस तरह का आपको दिखेगा ऑर्गेनिज्म आप देखोगे एकदम तो छोटे छोटे इस तरह से देखो स्ट्रक्चर नजर आएंगे सिंपल एकदम यहां ऐसे तो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर हेयर लाइक होगा ये सीलिया है ये भी लोग मोशन में हेल्प करता है फ्लैजिला क्या है सीलिया का जच्चा है ये देखो बड़ा सा लार्ज स्ट्रक्चर हो गया फ्यू इन नंबर रहता है तो बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए तो फ्लैजिला ये सब का काम क्या है अभी अभी हमने बताया यहाँ देखो सब का वर्क है लोको मोशन करना ये सब के सब लोगो मोशन परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट पॉइंट रिप्रोड्यूसेज बाई ए सेक्सुअली एंड सेक्सुअली देखिए मोस्ट कॉमन फीचर हम आपको बताएं एकदम सिंपल तरीका आप जान लो बेटा सिंपल तरीका ये है ए सेक्सुअल रिपोर्डक्शन यहां किस तरह से होना यहाँ है तो आपको हम फेमस मेथड बताएं तो बायरी फीजन बाइनरी फीजन की मदद से यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम ये अपने आप को डिवाइड करता है सेक्सुअली देखोगे तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा तो हम अभी जो इनके डेवलप मेंबर हैं उनके एग्जाम्पल के जो एग्ज़ाम्पल हम आपको बताएंगे वहाँ पे इनको हम थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे आइए एग्जाम्पल की थोड़ा बात कर ली जाए सबसे पहले इनको क्लासीफाई कर लेते हैं और फिर उनके एग्जाम्पल को हम समझेंगे देखना क्लासीफाई करते समय यहाँ पर हमें कितने ग्रुप दिखेंगे बेटा तीन कौन कौन सा ग्रुप नज़र आ रहा है दिख रहा है नोट करो पहला ग्रुप है इसका फाइलम प्रोटोजोवा सेकेंड फाइलम बैचलर एंड थर्ड फाइलम ओके हम एक एक फाइलम के मेंबर्स के पे डिस्कस करेंगे रीजन ये बेटा इनका जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो वही होगी जो आपने प्रोटिस्टा की पढ़ रखी है तो एकदम सिंपल तरीका बस हमें एग्जाम्पल को नोट करना है और बेसिक प्रॉपर्टी लिखने का मन बहुत हो तो वही प्रोटिस्टा का उठा के यहां कटपेस्ट कर देना ओके नई प्रॉपर्टी आपको मैं नहीं करना है तो सबसे पहला आप प्रोटोजोवा देखो प्रोटोजोवा अर्लियर टाइम से आप जानते हो ये किस तरह के होते हैं बेटा ये एनिमल लाइक होते हैं जो एनिमल की प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो ये उन्हीं के प्रॉपर्टी से मैच करेंगे बस रीजन क्या है एक सेल वाला मेंबर होता है बस सिंपल एकदम तो आइए इनमें इनकी जो कैटेगरी डिवाइड है चार कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं किसको हम प्रोटोजोवा की बात कर रहे हैं जो प्रोटोजोवा हमारा फाइलम है इनको चार ग्रुप में डिवाइड किया है किस बेस पे इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेस होते हैं कि नहीं होते हैं इस बेस पे डिवाइड करना है ओके तो देखो राइजोपोडा एग्जाम्पल अमीबा तो अभी भी हमने कहा बेटा हमें देखना है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स तो अमीबा में अभी हमने आपको कहा था ऐसे हमारे प्रोटोजोवन जहां पे किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है लोकोमोटरी सीडोपोडिया हो क्या हो सीडोपोडिया हो तो उसे आप क्या कहोगे राइजोपोडा कहोगे अमीबा ग्रुप है इसका फ्लेजलेटा में युगलीना यहां पे क्या दिखेगा आपको बेटा फ्लैजिला दिखेगा एज ए लोकोमोटरी ऑर्गनल फ्लेजिला के थ्रू मूव करेंगे सीलिया पैरामीशियम सीलिया के थ्रू मूव करेंगे स्पोरोजोआ एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम देखो यहाँ तो नाम से क्लियर हो गया किससे मुंह पर स्पोरोजोआ का क्लियर नहीं है स्पोरोजोआ की सबसे एक बखास् बात इनमें कौनो मेंबर ऐसा नहीं है एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो पैरासाइट न हो तो याद रखने कि सारे मेंबर पैरासाइट ऑल आर एंडो पैरासाइट ऑल आर एंडोपैरासाइट सारे मेंबर एंडोपैरासाइट हैं तो जो एंडो किसी के बॉडी में रहना तो घूमने की क्या जरूरत है भाई तो यहां पे लोकोमोटरी ऑर्गेनल एबसेंट है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स क्या है एबसेंट है ओके okay? क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई एकदम सिंपल तरीका है तो यहां पे हमने आपको कहा कि जो बेसिक प्रॉपर्टी थी हमने आपको बताया एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं आइए राइजोपोटा का जो हमारा एग्जाम्पल है बेटा मोस्ट फेमस देखो अमीबा आपके सामने यहां दिख रहा है अमीबा दिख रहा है ओके okay? तो अमीबा में आप देखो सबसे बड़ी बात बेटा कॉमनली कहां पे पाया जाता है ये अमीबा हमारा फ्रेश वाटर पौंड में पाया जाता है मड में पाया जाता है इस तरह के लोकेशन में आपको यूजली नजर आने लगता है या नजर आता है ठीक है दूसरे नंबर में देखो लोकोमोशन अभी हम आपको बार बार हम इंडिकेट कर रहे थे क्लियर अब आइए इट कैप्चर द बॉडी सीडोपोडिया एंड मेक फूड वैक्यूल ये खाना कैसे खाता है एकदम सिंपल तरीका हम आपको बताएं देखना अमीबा है ये आपका फूड है तो ये धीरे धीरे क्या करेगा इस फूड को देखिए यहां पे आ गया तो ये आपका बाद में क्या बन जाएगा फूड वैक्यूल बन जाएगा ओके तो ये फूड खाने को क्या करेगा सीडोपोडिया ऐसे बाहर से आएगा फूड को इनसाइड ले जाएगा और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा तो यहाँ पे सीडोपोडिया की मदद से ही ये चलेगा और सीडोपोडिया की मदद से ही खाना खाएगा याद रखिएगा दोनों चीज़ों की मदद से ये वर्कआउट होगा नेक्स्ट मैटर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल आपका जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है बेटा ये क्या है ये आसमो रेगुलेशन मतलब इनके बॉडी में कितना वाटर होगा कितना कम ज़्यादा होगा उसे बैलेंस करेगा तो स्ट्रक्चर भी आप याद रखिएगा देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा न्यूक्लियस फूड वैक्यूल क्रिस्टल्स हैं ये कॉन्टेटाइल देखिए वैक्यूल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनका जो प्लाज्मा है एक्टो एंडोप्लाज्मा इनसाइड को एंडोप्लाज्मा बोलते हैं बेटा आउटर को हम एक्टोप्लाज्मा बोलते हैं ओके तो याद रखिएगा ये दोनों का दोनों जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो अमीबा का ये स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए ओके तो एकदम सिंपल तरीका हमने आपको कहा कि इनके जो ग्रुप्स हैं ग्रुप किस बिहाब पे आप याद करोगे नेक्स्ट मैटर अमीबा हमारा रिप्रोड्यूस किस तरह से करता है अपने आप को आइए रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोर कॉमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनकॉमन ये मोस्ट ऑफ टाइम रिपोर्टेड नहीं है कभी कभी ये देखने को मिलता है है ना तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इनका ए सेक्सुअल रिपोडक्शन बाइंड्री फीजन कैसे होता है आप देखिए सामने बना हुआ है जो पेरेंटल इनका सेल होता है इनका न्यूक्लियस है यहां पे आप सपोज करो तो न्यूक्लियस सबसे पहले क्या होगा इनलार्ज होगा यहां पे देखिए न्यूक्लियस इनलार्ज हो रहा है सीडोपोडिया क्या है धीरे धीरे अपने नंबर को कम कर लेते हैं ठीक है सीडोपोडिया कम हो जाएगा न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया दो पार्ट में स्ट्रेच हो रहा है और चूंकि एनिमल सेल हैं तो 20 से एनिमल सेल क्या होगी बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और बाद में न्यू अमीबा बन गए भैया ए ये ऐसा मेंबर है जो क्या है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो इसे इमोटल कहा गया है इमोटल कहा, कहा गया मतलब ये अमर है कैसा है मोर्टल है तो मोर्टल का मतलब समझ रहे हो ना मरने वाला यही मोर्टल अमर क्यों यही तो बटकी दो में बन गया मरा का? कहां कहाँ मरा मरेगा तब ना भैया ये अमर है याद रखना आज तक कोई अमर नहीं हुआ है इसके सिवा है तो जो मेंबर बाइनरी फ्यूजन करता है वही अमर होता है ओके तो ये अमर है याद रखना बार बार बोल रहे हैं पूछा जाता है मोर्टल कौन तो बैक्टीरिया नहीं कौन है ये अमीबा है ओके ओके एग्जाम्पल हमने आपको बताया था बेटा सबसे पहला आप अमीबा याद रखिएगा जिसका डिवीजन आप पूरा पढ़ डाल रहे हो ये पहला एग्जाम्पल पूरा डिक्टेट किया गया है सेकेंड नंबर का जो एग्जाम्पल आप देखोगे वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका ध्यान देना एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री कहाँ से मिलता है ये ये मिलता है जो आपके जो कंटामिनेटेड वाटर हैं फुल्की का पानी यहाँ मतलब ऐसे साफ़ सफाई नहीं रखते हैं उनके थ्रू हमारे अंदर आ जाता है और डिसेंट्री वॉज करता है और पेट ख़राब कर देता है तो ये तो नॉर्मल तो है ये तो हार्मफुल वाला है ओके okay. तो आपने देखा प्रोटिस्टा के बेसिक फीचर हमने आपको बता दिए हैं कोई भी बेसिक फीचर में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा कोशिश रहेगी और कोई भी इंक्वायरी के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं अदरवाइज़ वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं थैंक यू